हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसरी। आप देख रहे हैं अफसरी किचन। आज हम बनाएंगे बैंगन फ्राई रेसिपी। तो आपने बैंगन का बहुत सारा रेसिपी खाया होगा, जैसे कि सालन और सब्जी खाई होगी, और आज हम बनाएंगे बैंगन फ्राई रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टेबल स्पून ली है, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून टर्मिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे करी पाउडर यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं आधा नींबू को डाल दूँगी। थोड़ा सा चटपटा सा बनेगा, तीखा और खट्टा बहुत मज़ेदार होता है। यहाँ पे आप नींबू अगर नहीं यूज़ करेंगे तो मैंगो पाउडर डाल देंगे हाफ टेबल स्पून। तो मैं यहाँ पे नींबू का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मसाले को नींबू के रस से ही मिला लूँगी और इसमें पानी या ऑयल ऐड नहीं करूँगी। आप अगर मैंगो पाउडर डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जितना जूस था उसी में ही हमारा मसाला मिल चुका है। इसमें कोई पानी या ऑयल हमने यूज़ नहीं की है। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बैंगन ले ली हूँ। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। इसका जो डंठल है ना, हम इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे और बैंगन को आधे आधे दूरी पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। आधे इंच दूरी पर एक कट लगा देंगे, फिर आधे इंच दूरी पर एक कट लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम कट लगा देंगे और यहाँ पे हम बैंगन को खोल कर देख लेंगे इसमें से कीड़े वगैरह हैं कि नहीं। ये देखिए, इसमें से कीड़े का निशान दिख रहा है। तो हम चाकू से इस तरीके से उसी जगह का इस तरीके से निकाल देंगे कट करके। ऊपर से तो एकदम फ्रेश था, अच्छा था, और अंदर से इस तरीके से निकला है। आप बैंगन में जब भी कट लगाइए, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपका बैंगन सही है कि नहीं। तो हमने सारे बैंगन को अच्छे से चेक करके उसमें कट लगा दी है और इसमें जो मसाला बनाए थे ना, हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से मसाले को कोट कर लेंगे बैंगन के ऊपर में, और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से हाथों में लगाते हुए निकालेंगे एक एक को। तो इसी तरीके में हम सारे बैंगन में मसाले को कोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे बैंगन में मसाले को कोट कर लिए है और इसी कंटेनर पे मैं 10 मिनट रख दूँगी। 10 मिनट रेस्ट में रख देने से हमारा जो कोटिंग लगाए हैं ना मसाला, तो बैंगन के अंदर जज्ब हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पे एक पैन रखी है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको फैला लूँगी चारों ओर और ऑयल को मीडियम गरम कर लूँगी। मीडियम गरम होते ही हम इसमें बैंगन को ऐसा एक एक करके रख देंगे फ्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारे बैंगन को ऐसा एडजस्ट करते हुए रख लूँगी। तो बैंगन जब फ्राई होने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक सहम कर जगह बन जाएगा और 1 मिनट मैं इसे पका लूँगी लो फ्लेम में। 1 मिनट बाद हम इसमें इस तरीके से पलटा लगा देंगे। हम बैंगन को मीडियम फ्लेम में और लो फ्लेम में पकाएंगे। हम बैंगन फ्राई करते टाइम पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ढककर, और इसे बीच बीच में चेक कर लेंगे और साइड को पलटते रहेंगे। बैंगन फ्राई हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसे निकाल देंगे एक एक करके और देखिए कितना बढ़िया सा बना है। वो देखने में जितना खूबसूरत, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।